एंड दिस इज सुमित अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गुरुनानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वेलकम्स यू ऑल इन दिस वीडियो ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। द ड्रग दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फ्लेवोनॉइड्स एंड आर देयर इन योर सिलेबस इंक्लूड्स रूटा, ठीक है। और दूसरा जो ड्रग है आपके सिलेबस में फिनाइल प्रोपेनॉइड और फ्लेवोनॉइड के कैटेगरी में दिया हुआ है, उनके नाम है लिग्नन्स और टी। बेसिकली टी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुडो अल्कोहलॉइड बिकॉज इट कंटेन द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एज कैफिन, बट इट इज देयर इन योर सिलेबस। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थ्री ड्रग्स, टी, रूटा एंड लिग्नन्स, अंडर दिस कैटेगरी ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। लेट्स स्टार्ट विथ टी लीव्स। कॉमन नेम और द सिनोनिम ऑफ टी इज कॉल्ड एज कैमेलिया थिया। थिया लीव्स या टी लीव्स जो है वो आपका कॉमनली वर्ड यूज होता है चाय पत्ती के साथ में या टी के साथ में, टी की जो लीव्स होती है। बॉटनिकल सोर्स की बात करते हैं तो इट इज अ प्रिपेयर्ड लीव्स एज वेल एज लीफ बर्ड्स ऑफ थिया साइनेंसिस। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, थिया साइनेंसिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स और द नेम ऑफ द जीनस स्पीसीज फ्रॉम विच यू विल हैव द टी। सो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट टी लीव्स, तो यू विल रिमेंबर द विच पार्ट इज यूटिलाइज, लीफ और लीफ बट्स। इट बिलोंग्स टू द फैमिली थियासी। सो द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी लीव्स इज इट कंटेन द प्रिपेयर्ड लीव्स एज वेल एज लीफ बर्ड्स ऑफ थिया साइनेंसिस बिलोंग्स टू द फैमिली थियासी। तो इस तरीके से इसका बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस टी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सुडो अल्कोलाइड, मीन्स देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इज अल्कोलाइडल इन नेचर। सो टी लीव्स आर कंसिडर्ड अ रिच सोर्स ऑफ कैफिन, अराउंड 1 to 3% ऑफ द कैफिन एज अ सुडो अल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन टी लीव्स। इट ऑल्सो कंटेन टू अदर अल्कोलाइड और द प्यूरिन बेसिस कॉल्ड एज थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन इन माइनर क्वान्टिटीज। बेसिकली दिस थ्री डिफरेंट बेसिस आर कॉल्ड एज प्यूरिन बेसिस और दे कम्स अंडर सुडो अल्कोलाइड कैटेगरी, कैफिन, थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन। इसमें से जो कैफिन है वो सी एन एस स्टिमुलेंट के लिए फेमस होता है और जो थियोफाइलिन है ये ब्रोंको डायलेटर यूज करते हैं इन अस्थमेटिक पेशेंट। तो ये तीन अल्कोलाइड आप याद रखोगे टी के रेफरेंस में। अदर देन दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, द कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू गैलोटैनिक एसिड। जो टैनिन कंटेंट होता है उसका नाम है गैलोटैनिक एसिड, जो अराउंड 15% होता है, जिसके वजह से जो कलर है वो टी का आता है। सेकंड, द एग्रीएबल ऑर्डर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो वोलेटाइल ऑयल। तो जो ऑर्डर्स आपका एग्रीएबल है टी का, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल विच इज येलो इन कलर। दिस टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, द कलर इज ड्यू टू गैलोटैनिक एसिड एंड द एग्रीएबल ऑर्डर इज ड्यू टू येलो वोलेटाइल ऑयल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं कि टी लीव्स ऑल्सो कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज थीएज। जैसे अपन ने बाकी ड्रग में देखे थे किसी में ऑक्सीडेज एंजाइम था, किसी में सैपोजिनेज एंजाइम था, वैसे ही इसमें जो एंजाइम रहेगा दे टुगेदरली कैटेगराइज इनटू वन क्लास कॉल्ड एज थीएज। यू हैव टू रिमेंबर दिस, थीएज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम फाउंड इन टी लीव्स। तो इस तरीके से आप इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद रख सकते हो। यूजेस की बात करेंगे तो बिकॉज इट इज अ कैफिन इट इज यूज एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। थियोफाइलिन इज प्रेजेंट एज अनदर बेस इन माइनर क्वांटिटी, हेंस इट इज यूज एज अ ब्रोंको डायलेटर इन अस्थमा पेशेंट। और एक थर्ड यूज है डायुरेटिक। डायुरेटिक ऑफन आपने सुना होगा या देखे होंगे कि चाय पीने के बाद में आपको यूरिनेशन या फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो उस रेफरेंस से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इसका एक यूज डायुरेटिक हो सकता है। तो दीज आर द थ्री रेफरेंसेस ऑफ टी लीव्स। तो यहाँ तक आपको टी लीव्स के बारे में पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट और यूजेस। सेकंड ड्रग जो इस कैटेगरी को आपको पढ़ना है, जो फ्लेवोनॉइडल कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, उसका नाम है रूटा। रूटीन नाम से एक फ्लेवोनॉइड जो है फेमस, वो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो रूटा है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स को बोलते हैं आप रूई या कॉमन रूई बोलेंगे या सताप बोलेंगे। सताप इज द कॉमनली यूज नेम फॉर रूटा। अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते तो हियर वी आर यूजिंग द इंटायर प्लांट, वी आर नॉट यूजिंग द सिंगल पार्ट, आदर लीफ रूट ऐसा यूज नहीं कर रहे, पूरा होल प्लांट जैसे विनका में देखे थे अपन ने, वैसे ही रूटा में भी है। इट कंसिस्ट ऑफ द इंटायर प्लांट, दे आर बॉटनिकली नोन एज रूटा ग्रेव्युलेंस। नेम ऑफ द प्लांट इज रूटा ग्रेव्युलेंस। तो ये रूटा नाम से ही उसका नाम रखा गया है ड्रग का, रूटा ग्रेव्युलेंस, फैमिली इज रूटासी। आसानी से आप फैमिली याद रख सकते हैं, द रूटा बिलोंग्स टू द फैमिली रूटासी। तो दिस इज द बायोलॉजिकल सोर्स। हियर यू व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द पार्ट इज एंटायर प्लांट, द नेम ऑफ द प्लांट इज रूटा ग्रेव्युलेंस एंड फैमिली इज रूटासी। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। अगेन द प्लांट कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांगली स्मेलिंग वोलेटाइल ऑयल विच इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर
बट इट्स डिसएग्रीएबल, मतलब यू कैन नॉट एग्री द ऑर्डर विच इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर, दो इट कंटेन द स्ट्रांगली स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड एज वोलेटाइल ऑयल. सेकंड, इट कंटेन दी एक्रिडोन एज अ अल्कोलाइड एंड अदर अल्कोलाइड्स, नेमली एज आर्बोरिमाइन, इवोक्सैंथिन, काउमरिन, लिमोनाइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रूटा. मीन्स द रूटा अगेन कंटेन द सब्सटेंस आइदर वोलेटाइल ऑयल, अल्कोलाइड्स एंड फ्लेवोनाइड्स. द अल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्बोरिमिन, इवोक्सैंथिन, काउमरिन एंड लिमोनाइट्स, वाइल द वोलेटाइल ऑयल आर स्ट्रांगली स्मेलिंग सब्सटेंस प्रेजेंट बट इट इज डिसएग्रीएबल. लास्ट बात कर रहे हैं अपन केमिकल कॉन्स्टेंट जो ग्रीन कलर में लिखा है, वो आता है फ्लेवोनाइड के बारे में. दैट इज रूटा कंटेन वन फ्लेवोनाइड कॉल्ड एज रूटीन. सो रूटीन इज द फ्लेवोनाइड ऑयल कंस्टिट्यूएंट फाउंड इन रूटा अराउंड 2%. इट इज अ क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइडल कंपाउंड, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड. अदर प्रोटीन अदर फ्लेवोनाइड्स आर सोराटिन, बर्गैप्लिन, ग्रेवियोलिन. ठीक है, ये चार नाम आपको याद रखना है विथ रेफरेंस टू दी फ्लेवोनाइडल क्लास. द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज रूटीन अराउंड 2%, विच इज केमिकली इन फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड एंड बाय नेचर इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर. दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रूटा. यू हैव टू रिमेंबर वोलेटाइल ऑयल, अल्कोलाइडल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फ्लेवोनाइडल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रूटा. यूजेस की बात करते हैं, बिकॉज इट कंटेन द वोलेटाइल ऑयल विच आर स्ट्रांगली स्मेलिंग सब्सटेंस, सो इट इज यूज एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट. इंसेक्ट रिपेलेंट इसलिए है कि बहुत ज़्यादा अगर उसकी स्मेल आ रही है और डिसएग्रीएबल है तो इंसेक्ट जो है उसके पास में नहीं जाएंगे, हेंस इट एक्ट एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट. अदर यूज आर द वोलेटाइल ऑयल जो है वो इम्यूनोगॉग है, इट एनहांसेज द मेंस्ट्रुअल फ्लो. सेकंड, एबॉर्टिफेशियंट है एंड थर्ड, क्यूलिनरी पर्पज के लिए यूज कर सकते. अदर देन दिस आप रूटीन के जितने यूजेस है एज अ फ्लेवोनाइडल ग्लाइकोसाइड वो आप इसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फ्लेवोनाइड के जो यूजेस है. जैसे कि रूटीन के यूजेस में आप देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल स्कैनिंग प्रॉपर्टी होती है एज अ फ्लेवोनाइड की, हार्ट डिजीज में यूज होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में यूज होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी. दिस आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ रूटीन दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन रूटा ड्रग. बेसिकली दे आर इंसेक्ट रिपेलेंट एंड इम्यूनोगॉग, एबॉर्टिफेशियंट एंड कुलिनरी पर्पज के लिए यूज होता है. दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ड्रग रूटा डेट बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉल्ड एज फ्लेवोनाइड. थर्ड क्लास इसमें आपकी दी है लिग्नान्स. एक्चुअली लिग्नान्स जो है ये एक कैटेगरी का नाम है, इसमें कोई ड्रग नहीं आता है. तो लिग्नान के कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. दिस लिग्नान्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स. दे आर जनरली फाउंड इन फ्रूट्स, रूट, हार्डवुड, सीड्स एंड ग्रेन्स. तो ये एक प्लांट का न्यूट्रिएंट्स है जिसको आप फाइटो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी कि अपन इसको सेकेंडरी कंपाउंड नहीं बोल रहे, प्राइमरी कंपाउंड नहीं बोल रहे, एक न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, इसीलिए इसको बोला है फाइटो न्यूट्रिएंट्स. सेकंड पॉइंट यहाँ देखेंगे कि लिग्नॉन्स आर द लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स. दे आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेटिव कपलिंग ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन यूनिट. यहाँ यहाँ आपको ये बात याद रखना है कि दो आपको कंपाउंड लिए है आपने, पैरा हाइड्रोक्सी प्रोपिल फिनाइल प्रोपेन यूनिट के दो मॉलिक्यूल लिए, उसको कपल किया गया है. दैट कपलिंग इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव कपलिंग इन विच टू यूनिट आर ज्वाइंट टूगेदर विद द हेल्प ऑफ वन ब्रिज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ब्रिज. मतलब आपको दो कंपाउंड लेना है, दो कंपाउंड मतलब दो यूनिट लेना है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपिन यूनिट्स के, उसको कपल करना है, उसके बीच में जो ब्रिज बनेगा वो बनेगा ऑक्सीजन ब्रिज का. दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कॉल्ड एज लिग्नान्स. थर्ड पॉइंट यह है कि लिग्नान्स आर फाउंड इन द रेजिनियस एक्सक्रीटेड्स ऑफ द प्लांट. जो अपन ने देखे थे कि इंसिजन देने पास एक सिक्रीशन निकलता है उसका नाम रेजिन है, तो उस रेजिन एक्सक्रीटेड्स में भी लिग्नान्स जो है वो मिल सकते हैं या मिलते हैं. लिग्नान्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दे कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पेन पोलराइज लाइट. फ्लैक्स सीड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट लिग्नान्स. अगर फाइटो न्यूट्रिएंट्स में लिग्नान्स की बात करते हैं तो फ्लैक्स सीड्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिग्नान्स मिलता है. उसके अलावा एज कम्पेयर टू अगर रे, बकवीट, मिलेट, सोया या बार्ली, इन सब में भी लिग्नान्स रहेगा, लेकिन द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लिग्नान इज फ्लैक्स सीड. लिग्नान्स फाउंड इन द फ्लैक्स सीड्स आर कॉल्ड एज सेको आईएसओ, लैरिसी, रेजिनॉल, डायग्लूकोसाइड. ये वर्ड याद रखोगे विद रेफरेंस टू द फ्लैक्सीड, बिकॉज द फ्लैक्सीड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ लिग्नान. तो यू हैव टू रिमेंबर विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लैक्सीड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिग्नान. सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज सेको आईएसओ, लैरिसी, रेजिनॉल, डायग्लूकोसाइड, SDG. इस तरीके से आप उसको याद रखोगे. नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. तो लिग्नान्स हैव न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर यूनिक इन प्रमोटिंग द हेल्थ एंड कॉम्बैक्टिंग डिजीजेस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉल्ड एज फाइटो न्यूट्रिएंट्स. सो डेफिनेटली इट विल एनहांसेस द और प्रमोट्स योर हेल्थ एज अ न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल एनहांस और बिल्ड अप योर इम्यूनिटी टू कम्बैक्ट द मेनी डिजीजेस.
अगर फार्माकोलॉजी बाकी हिसाब से बात करते हो तो लिग्नेंट मिमिक्स द प्रॉपर्टी ऑफ इस्ट्रोजन, सो ऑल द प्रॉपर्टी, ऑल द बेनिफिट, ऑल द यूजेस ऑफ इस्ट्रोजन विल बी पजेस्ड बाय दिस लिग्नेंस। लिग्नेंस आर एंटी पैरासाइटिक इन नेचर, लिग्नेंस एनहांसेस द इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि लिग्नेंस जो है ये फाइटो न्यूट्रेंट्स है, बहुत सारे प्लांट्स में मिलते हैं, दे एनहांसेस योर इम्यूनिटी, दे एनहांसेस एज अ वॉट वी कैन से प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ योर बॉडी एंड प्रिवेंट द मेनी डिजीजेस, और इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम टू कम बैक द मेनी डिजीजेस। दिस इज ऑल अबाउट द लिग्नेंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। इसमें कोई ड्रग्स अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लिग्नेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये कुछ पॉइंट्स आपको आंसर लिखने में मदद करें। दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग्स दैट बिलोंग टू द कैटेगरी कॉल्ड फिनाइल प्रोपोनेट्स एंड फ्लेवोनेट्स। वी हैव डिस्कस थ्री ड्रग्स, टी, रूटा एंड लिग्नेंस। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज देन यू कैन मेल मी एट sumitkishanarora@gmail.com। थैंक यू।